बाइबल हाथ में लेकर उपदेश देने वाले तुम रिवॉल्वर हाथ में उठाने की हिम्मत कैसे आ गई? अपने आप को ईश्वर के पुत्र कहते हो, अपने आप को पादरी कहते हो, तो शर्म नहीं आई तुम्हें? यस माइकल राज, तुम ये ईसाई होकर क्रिमिनल की जिंदगी जी रहे हो, ये सोचकर शर्म आ रही है मुझे। शट अप! इस देश में लाखों हजारों क्रिमिनल्स हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। उन क्रिमिनल्स की गिनती कम करना पुलिस का काम है, कानून कहता है, लेकिन हमें मारकर ईसाइयों की गिनती कम करना एक पादरी का काम नहीं है, ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा है। चाहे कोई खून करे या चाहे चोरी करे या फिर भले अपने ही देश से गद्दारी करे, अगर कोई ये सोचे कि अपनी कौम की रक्षा होनी चाहिए तो वह एक शैतान से भी बदतर है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी मजहब क्यों ना हो, उनमें से जो शराफत की जिंदगी जीना चाहे, सिर्फ वही इंसान वही उस धर्म का रक्षक है। सच कहूं तो तुम ये ईसाई ही नहीं हो। तो फिर मेरे गुनाहों की माफी क्यों दी? अनजाने में जो भी पाप हुआ उससे कोई भी इंसान जीवन भर अपने पापों के बोझ तले दबाना रहे, इसलिए यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करते हैं। एक पादरी के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया, उसे तुमने ढाल बनाकर पाप पर पाप करते चले गए। वो सुन सुन कर जप करने वाले मेरे मन में खून करने की भावना जाग उठी। अगर सच कहूं तो अब मैं भी पादरी नहीं हूं और तुम भी ईसाई नहीं हो। तुम्हारा खून करना कोई पाप या गुनाह नहीं। फादर, एक मिनट। इंसान ही बनाता है धर्म, और वही धर्म इंसान को जानवर बना देता है। मेरा धर्म बड़ा है बोलकर जानवरों की तरह एक दूसरे को मारकर जीने वाले इस समाज में अपनी जाति को सभ्य बनाने की सोच रखने वाले आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हर जाति में आप जैसे इंसान मौजूद हैं, और मैं नहीं चाहता कि एक खूनी बनकर आप जेल में जाएं। ये जंग मेरी है, इल्जाम भी मैं ही लूंगा। पिस्तौल मुझे दीजिए। नहीं मेरे बच्चे, एक भले इंसान ने एक बुरे इंसान को मारने के बजाय एक हिंदू ने एक ईसाई को मार दिया, ये बात दो धर्मों के बीच दरार बन जाएगी। यही आज जिस देश में हो रहा है। मेरे धर्म पर लगे दाग को मैं अपने ही हाथों से धोऊंगा, क्योंकि फूल वाले पौधे को गुलाब जल डालने के बजाय जहरीले पौधे को जड़ से उखाड़ना ही बेहतर। ये गाल पर थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल दिखाओ कहने वाली यही पवित्र बाइबल ही है। पापों का आखिरी अंजाम मौत ही है। जो अंजाम मैं इसे दे रहा हूं मेरे बच्चे, यही कहता है हर धर्म।